हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। 250 ग्राम चिकन को अच्छी तरह धो लिए हैं। अब इसमें डालेंगे बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, गाजर, कैप्सिकम, बंदा गोभी और लहसुन बारीक काटा हुआ। इन सारे चीज़ को हम लोग चिकन में डालेंगे। कटा हुआ हरा मिर्चा, धनिया पत्ता कटा हुआ, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब सारे चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मिक्स हो गया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे तेल। चिकन को गोल गोल करके हाथ से तेल में डाल देंगे। चिकन को एक साइड फ्राई हो गया है, अब इसे पलट लेंगे। चिकन पकौड़ा हमारा पूरा पक गया है, उसे प्लेट में निकाल देंगे और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें।